शेड्यूल ये है अगला टशन अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी जयपुर बनाम साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल सोनीपत। रेड की शुरुआत मनीष कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने ही रेड की शुरुआत की थी। फुटवर्क इनका अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बड़े बड़े रेडर्स जैसा, अनुभवी रेडर्स जैसा इनका फुटवर्क है। बोनस की ट्राई फिर रनिंग हैंड टच की कोशिश। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो दो पॉइंट का दावा कर रहे हैं, क्योंकि शायद रनिंग हैंड टच करते करते वो दोनों खिलाड़ियों को टच करके, लेकिन मिला एक पॉइंट। अच्छी शुरुआत साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल की, और दोनों ही टीमों को अगर देखें तो फर्क जान सकते हैं। या रेडर शायद रेडर सेल्फ आउट हो गए। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल के रेडर इतने कमाल के हैं, टेक्निक उनकी इतनी जबरदस्त है, देख के लगता है कि वाकई में ये खिलाड़ी जो हैं, ये बच्चे जो हैं, अच्छी खासी अकेडमीज में ये प्रैक्टिस करते हैं। जयपुर के पास अब तक मौका ही नहीं खाता खोलने का। आपको याद होगा पिछले मुकाबले में 18-0 की बढ़त ले ली थी साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल ने हाफ टाइम तक, तो इतना मजबूत खेल इनका है कि सामने वाली टीम को मौका ही नहीं, एक और पॉइंट मिला। और उनके जो समर्थक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे की खुशी बता रही है किस तरह से डोमिनेट एक बार फिर से कर रही है साउथ पॉइंट स्कूल सोनीपत। सोनीपत कबड्डी का गढ़ है, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, यहां भी गढ़ बनता जा रहा है। ऑल आउट बिना किसी प्रतिरोध के जयपुर की टीम ने कंसीड कर लिया है। तो सोनीपत की ये स्कूल साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल पहले मुकाबले में जो उन्होंने कहानी शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाया है, बहुत बढ़िया, कोई मौका नहीं। और पहले हाफ में इतना जल्दी ऑल आउट कर दिया, डिफेंडर इस तरफ आ गया, इतना खौफ रेडर का, और वहां जाके भी ताप दिखा रहे थे अपने कोर्ट में आके पकड़ोगे। तो बच्चे हैं और इनका खेल देखने में जितना मजा आता है, बिल्कुल अविनाश सैनी फिलहाल रेड पर। चलिए बोनस मिला, 3 मिनट बीत जाने के बाद अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी ने अपना खाता खोला है। पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं साउथ पॉइंट स्कूल। मनीष रिवाइव होकर अंदर आ चुके हैं, बोनस की कोशिश की है राइट कॉर्नर के नीचे से, पर अगर टच भी कर लें तो बेहतर होगा क्योंकि पिछली बार बिना पॉइंट, इस बार टच हुआ है राइट कॉर्नर, सुरेंद्र खड़े के खड़े रह गए। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तकनीक, सबसे पहले दो बार किक लगाने की कोशिश की, उसमें रेंज में नहीं आए तो उसके बाद टच पॉइंट ले लिया, बहुत लाजवाब स्ट्रेच इतना अच्छा करते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तैयारी के साथ आए हैं साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल। इस बीच एंकल होल्ड राहुल का, नाम तो सुना ही होगा, लगातार सुन रहे हैं। राहुल और मनीष की ये जोड़ी रेड और डिफेंस में दो ही खिलाड़ी काफी पड़ रहे हैं। तो जिस तरह से कैरम में हम खेलते हैं उस तरह से टो टच वो फेंक रहे हैं, पॉइंट ले आए। देखिए यहां पर गलती कर गए पवन चौधरी। हाफ टाइम हो चुका है मैच का, और अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप केबीडी जूनियर सीजन 1 के डिफेंडिंग चैंपियन साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल यहां हाफ टाइम पर 14-2 से आगे चल रहे हैं। छोटी हाइट बड़ी फाइट अल्फा इंटरनेशनल के लिए। फिलहाल मनीष आए हैं रेड पर, क्या ये कुछ खास कर पाएंगे? डिफेंस देखिए कितना आगे है, बोनस लाइन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है, घेर लिया डिफेंस ने। मिनट के दो हाफ, 20 सेकंड की रेड, और हर एक रेड डू और डाई, समय निकलता जा रहा है। तनवीर सिंह राठौर रेड पर, क्या बोनस मिल गया? बोनस अल्फा इंटरनेशनल स्कूल।
साउथ पॉइंट पूल के डिफेंस ने मैच्योरिटी दिखाई है, बोनस लेने दिया है। डिफेंस में कोई खिलाड़ी टैकल करने नहीं गया क्योंकि रेडर लंबे कद का था, यहां 2-3 पॉइंट लूज हो सकते थे। एक पॉइंट लेकर जाने दीजिए, एक पॉइंट से रिवाइवल नहीं मिलता है, इसीलिए ऑल आउट करने आप आराम से जा सकते हैं। लीजिए, हो गया ऑल आउट, यानी कि 3 और पॉइंट मिलेंगे। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल को बढ़िया पकड़ बना ली है इस मुकाबले पर, कोई मौका ही नहीं। देखिए आराम से जिस तरीके से रेडर ने यहां पर तनवीर को आउट किया, ऑल आउट का मतलब ऑल इन, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी के लिए। अविनाश को घेर लिया, अविनाश ने निकाले हैं पॉइंट। इस मैच में पहली बार हुआ है कि अल्फा इंटरनेशनल को एक रेड में एक से ज्यादा पॉइंट मिले हों। दो मिनट है, लेकिन दावा कर रहे हैं मनीष, उनका दावा माना गया। दो टच किया है मनीष ने, 8 रेड में 7 पॉइंट लेकर आए हैं और एक ही बार आउट हुए हैं, और इस ग्रुप को टॉप करने वो वाली है, यानी कि जोन ए के फाइनल में वो जाने वाली है, और जोन ए के फाइनल में पवार पब्लिक स्कूल पुणे के साथ उनका मुकाबला होगा। यानी कि सोनीपत और पुणे दोनों में से कोई एक टीम केबीडी नेशनल के फाइनल में जाएगी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल मनीष, फंस गए झुंड में डिफेंस के, कोई मौका नहीं उनको वहां से निकलने का। लेकिन यहां पर सुपर टैकल ऑन है क्योंकि 3 डिफेंडर है, क्या ये ऑल आउट हो सकता है? 2 का टच तो लग रहा है मिल गया। अपने मेन रेडर को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं सोनीपत, क्योंकि उनको पता है मैच मुट्ठी में है। आयुष को भेजा, इतना डीप गए उसके बावजूद डिफेंडर इनको टैकल करने नहीं आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है जयपुर के डिफेंडर्स को खुद में। बिल्कुल, समय निकलता जा रहा है और साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल ने इस मुकाबले में क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। डिफेंस की मैच्योरिटी देखिए, रुके हैं, समय को जाने दे रहे हैं, हर एक सेकंड का मोल पता है, और इस बीच घेर लिया और आउट। रेडर आउट, 1+2 3 पॉइंट साउथ पॉइंट स्कूल। और एक और ऑल आउट से जूझती हुई अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी जयपुर। संभवतः आखिरी रेड होगी इस मैच की, या एक रेड की गुंजाइश और बन सकती है। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल पहला मैच चांद से जीते थे, दूसरा भी उसी तरीके से ही जीते हैं। 24 पॉइंट के मार्जिन से साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल ने ये मुकाबला जीता है। जोन ए के ग्रुप एक में दोनों मैचेस जीत लिए हैं और अपने ग्रुप को टॉप किया है। तो ये है फाइनल स्कोर, क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल का, 30-6 से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है जोन ए।